बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूनिक फूड सीक्रेट, और यूनिक फूड सीक्रेट में आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। मेजरिंग कप को मैंने फॉलो किया है, तो ये 2 कप मैं लूँगी चीनी के। अब मैं पानी डालूँगी शीरा बनाने के लिए। पानी मैंने डाल दिया, ये वाले 3 कप मैंने लिया पानी के। फुल फ्लेम पे हम इसको बना लेंगे शीरा। शुगर सिरप मेरा उधर रेडी हो रहा है, तो कोई सा भी मिल्क पाउडर ले लें। दो कप मैं ये लूंगी। ये वाला कप मैं लूंगी मैदे का, ये हाफ कप बनता है इससे। आप कोई भी 1 कप ले लें, उसको फॉलो कर लें। ये 1 चुटकी मैंने लिया है बेकिंग सोडे का। इस चम्मच को मैं यूज़ करते हुए लूँगी 2 चम्मच मक्खन के। एक अंडा इसमें डाल के मैं इसकी डो बनाऊँगी, साथ में दूध यूज़ करूँगी हसबे ज़रूरत। डो बनाने से पहले मैं चेक करूँगी शुगर सिरप को। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, और ना ही इसका वो बनाने तार, इसका इतना सा हो जाए कि ये चिपचिपा सा हो जाए बस। इसमें जो कि अंडा भी है और बटर भी है, तो पहले मैं इसकी सिंपल डो बनाऊंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें डालूंगी दूध। इसको बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना, बस थोड़ा सा ऐसे मिक्स करना होता है बिल्कुल नरम हाथ से। डो में ये होता है कि इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम अपने गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। इसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप फ्राई करेंगे तो एकदम ही जल जाएंगे और बीच में से कच्चे रह जाएंगे, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, मीडियम टू स्लो। अभी मैंने ये छोटा सा पीस डाला इसमें। अब ये ऑयल रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। इनको हम अच्छे तरीके से कलर दे लेंगे। ये खुद खुद ही फूल जाएंगे।
अगर आपकी अपनी चाय से डार्क ब्राउन रखना चाहें तो इसको ज़्यादा ज़रा गर्म कर लें, वरना लाइट ब्राउन भी आपकी अपनी पसंद है। शीरा हमारा रेडी है, उसमें हम गुलाब जामुन डाल देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको सोखने देंगे।